सर इंट मैन, मतलब करना क्या, ये समझ में आ रहा आप लोग को कि आपको मार्क्स एंट्री लेना है, उसके बाद उसके अनुसार उसका ग्रेड प्रिंट करना है, ठीक है। इंट मैन, इंट मार्क्स, मार्क्स एक में वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर देना है कि उसका ग्रेड क्या है। प्रिंटफ इंटर द मार्क्स, ठीक है, इंटर द मार्क्स, इसको मैं ये कर देता हूँ सेमी कॉलन। उसके बाद स्कैनफ, यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज डी। कल कोई आप लोग में से भेजा था मुझे प्रोग्राम, वो यहाँ परसेंटेज डी के जगह पे परसेंटेज एफ लिख दिया। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप ले रहे हैं तो परसेंटेज डी लिखाएगा, अगर फ्लोट टाइप ले रहे हैं तो परसेंटेज एफ लिखाएगा, अगर कैरेक्टर टाइप ले रहे हैं तो परसेंटेज सी लिखाएगा, अगर स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं तो परसेंटेज एस लिखाएगा। जिसका कि ये सारा चीज मैं लिस्ट दे चुका हूँ आप लोग को, जब हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग पढ़ रहे थे या कंट्रोल कैरेक्टर पढ़ रहे थे या बैक स्लैश ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ये सारा चीज हम लोग ने देखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एंड परसेंट मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा, क्या हुआ यहाँ पे, आपका परसेंटेज जो भी है वो यूजर यूजर जो डाला वो मेरा मार्क्स में आ गया। अब मैं इफ कंडीशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इफ मार्क्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, अगर 90 से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ स्लैश एन, मैं लिख देता हूँ स्लैश एन ग्रेड इच ओ, ठीक है, ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, एल्स वाला पार्ट में जाएंगे हम लोग। यहां पे क्या होगा, फिर से इफ कंडीशन चेक करेंगे। अब क्या है, नेक्स्ट मेरा क्या है, 80 से बड़ा और 80 और 90 के से छोटा, तो हम लोग यहाँ क्या है, अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है क्या होगा, 90 से ज्यादा जो हो गया उसमें वो मेरा प्रिंट करेगा। अब सेकेंड कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ठीक है। ये वाला पार्ट में कब होगा, जब मेरा ये कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है मेरा ये वाला, ये अगर फॉल्स होगा तभी मेरा 21 वाला चेक होगा, अगर ये ट्रू हो गया तो क्या होगा, 21 वाला मेरा एक्सक्यूट नहीं करेगा। इसीलिए मैं सेकेंड वाला जो 89 वाला कंडीशन है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, या आप लिख भी सकते हैं यहां पे, मान लीजिए मैं लिख दिया एंड, क्या लिखूंगा एंड के बाद, मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 89, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, हो गया ना, आप इसको ब्रैकेट में लेके चलिए। चलिए मान लीजिए मैं लिख भी रहा हूँ आप लोग के लिए, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये चीज पता चलेगा। लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये इफ का ब्लॉक होगा,
इसमें क्या प्रिंट अप करेंगे हम लोग, इस बार क्या प्रिंट होगा, अगर इस बीच में आएगा मार्क्स तो क्या प्रिंट होगा, कौन सा ग्रेड, ई ग्रेड होगा ना, ई ग्रेड में वो कर दिया, ठीक है, सबको दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये फॉल्स होगा, ये अगर फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, ये फिर से एक, ये अगर फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट में जाएगा, सो गए क्या आप लोग, खाना खाने के बाद नींद आ गया क्या, बोल नहीं रहे आप लोग, नो सर नहीं सोए सर, तो फिर से मेरा कंडीशन चेक होगा, मैं यही वाला कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, जल्दी से होगा, ठीक है। कंट्रोल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार 70 और ये क्या हो जाएगा 79 से कम, तो मेरा इफ ब्लॉक हुआ, यहाँ पे मैं फिर से ब्लॉक ले रहा हूँ, इसमें क्या होगा, प्रिंटर इस बार क्या प्रिंट होगा, ए, अगर 70 और 79 के बीच में आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, ए, ठीक है, क्लियर। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, एल्स वाला पार्ट में जाएगा, जाएगा ना, एल्स वाला पार्ट में क्या कर रहा हूं मैं, फिर से एक कंडीशन चेक कर रहा हूं कि ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उसके नेक्स्ट वाला चेक होगा, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि इस बार मैं 60 से 69 के बीच में चेक कर रहा हूं, 62 69, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो क्या प्रिंट करेगा, ये कौन सा ग्रेड प्रिंट करेगा, 60 से 69 रहेगा तो बताइए, बी ग्रेड। आप लोग नोट नहीं किए हैं, नोट करना चाहिए था आप लोग को क्या प्रोग्राम चल रहा है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, ये बहुत लंबा प्रोग्राम होगा, आप लोग ध्यान दीजिए इसको अच्छे से। एल्स, फिर से एल्स पार्ट आया, इस बार क्या होगा, इसमें फिर से कंडीशन चेक करेंगे किसके लिए, 50 और 59 के बीच के लिए, तो फिर से मैं यहां पे कंडीशन चेक कर रहा हूं, कंट्रोल सी, इसको मैं लिख दिया कंट्रोल वी, इस बार क्या होगा, 50 to 59, ठीक है, 50 to 59, इसमें क्या प्रिंट करेगा, कौन सा ग्रेड, ग्रेड सी, ग्रेड सी, तो मैं सी ग्रेड यहां प्रिंट कर दिया, क्लियर। क्लियर ना, उसके बाद अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स वाला पार्ट में जाएगा, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, फिर से एल्स ब्लॉक बनाया, इसमें से क्या हुआ, फिर से मैं इफ कंडीशन चेक कर रहा हूं किसके लिए, 40 से 49, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेगा यार, ये कौन सा ग्रेड, ग्रेड बी, ग्रेड बी हो गया, और इस अगर ये भी फॉल्स हो गया तो कहां जाएगा, एल्स वाला पार्ट में, एल्स वाला पार्ट में क्या प्रिंट करेगा, इस बार तो कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है, सब अगर फॉल्स होते हुए यहां पहुंचा तो क्या प्रिंट करेगा, ये फेल करेगा ना, फेल, यहां पे क्या लिख रहा हूं, ग्रेड एफ,
फेल का ग्रेड क्या था? एफ था। ये हो गया। अब देखिए कितना मेरा पार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ 15 से और कहाँ चला गया, देखिए कितना एल्स पार्ट लगाए हम लोग, देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम हो गया आपका 59। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो लास्ट है इसके बाद मैं एक और लिख दे रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल भी, यहां पे मैं लिख रहा हूं इंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है इंड ऑफ प्रोग्राम। और इसको जो है मैं रिटर्न जीरो कर देगा, ठीक है हो गया। तो देखिए कितना लंबा प्रोग्राम हो गया मेरा, हो गया ना आपका 61 लाइन का प्रोग्राम हो गया। जिसमें कि ऊपर का जो है आपका 8 लाइन आपका प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन था, बाकी हम लोग इसको करते हैं, हम लोग इसको सेव कर दे रहे हैं। इसको मैं लेडर के नाम से सेव कर देता हूँ, leader1.c सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कंपाइल करके चेक करता हूँ कि एरर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंपाइल ये हो रहा है, लंबा प्रोग्राम है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। देखिए एरर जीरो और वार्निंग जीरो, मतलब मेरा प्रोग्राम का जो है सिंटैक्स जो है प्रोग्राम का वो सही है। अब लॉजिक सही है कि नहीं ये कैसे चेक होगा, जब हम लोग रन करेंगे तो रन कर दिया, फिर इंटर द मार्क्स मैं दे रहा हूँ 73। अगर मैं 73 इंसर्ट कर रहा हूँ तो कौन सा ग्रेड प्रिंट करना चाहिए, ये अगर 73 है तो कौन सा ग्रेड प्रिंट करना चाहिए, 73 किसके बीच में आ रहा है, 70 और 79 के बीच में है तो ए ग्रेड प्रिंट करना चाहिए। तो देखते हैं ए कर रहा है कि नहीं, तो लिख दिया ग्रेड इज ए इंड ऑफ द प्रोग्राम, समझ में आया ग्रेड ए इंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब 73 के लिए तो लॉजिक मेरा सही है, क्लियर? यस सर। ओके, तो उसके बाद फिर से मैं रन कर रहा हूँ, फिर से कोई आप लोग इनपुट बताइए मार्क्स, चलिए 92 डालते हैं, ये भी सही है। क्या इस बार प्रिंट आउटपुट दिया ये, अगर 92 अगर मार्क्स है तो ओ ग्रेड, ठीक है क्लियर। फिर से मैं रन कर रहा हूँ F10, इस बार आप लोग मार्क्स कोई दीजिए हमको, कितना मार्क्स डालूँ मैं, चलिए कंप्यूटर फंडामेंटल में आप लोगों को कितना मार्क्स आया है पिछला सेमेस्टर में बताइए, मैं किसी का नाम लेता हूँ वो बताइए मुझे। आदित्य कुमार, कंप्यूटर फंडामेंटल में कितना मार्क्स आया आपको, सर अभी एग्जाम नहीं दिए हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं हुआ, एली वाले हैं। अच्छा एली वाले हैं, ओके सर एली वाले हैं, ओके एली से हैं सर हम लोग सब लोग, आप लोग एली से हैं। यस सर, मतलब मेन वाला कोई नहीं है इसमें,
यस सर है, बहुत लोग हैं मेन वाला। मेन वाला बताइए, दीदी कुमारी कुमारी हैं आप? नहीं है क्या रिद्धि कुमारी? ओके, पिंटू पांडे सर लगता है सो गया है सर। यस सर। आप अपना कंप्यूटर फंडामेंटल का मार्क्स बताइए। याद नहीं है क्या दीपक सर? हाँ दीपक सर। हाँ बोलिए। बोले फर्स्ट सेमेस्टर में तो कहाँ था हम लोग? फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग कहाँ था कंप्यूटर? सेकेंड सेमेस्टर में था सर, तो उसमें तो प्रमोट ही कर दिया है। हाँ तो मार्क्स आया होगा ना? मार्क्स तो आया होगा जोर जाड़ के, कितना फिजिक्स में कितना आया? यस सर। वही पूछ रहा हूँ मैं, प्रमोटेड और इसका कोई ये नहीं है। आपको मार्कशीट आ गया है ना आप लोग का? रिजल्ट तो आ गया है? यस सर। हाँ बताइए मार्क्स। 29 सर। 29? ये 50 में आप करते नाइन 50 में 50 में से 29 आया, तो मैं इसको 100 में ले लेता हूँ। ठीक है, 100 में कितना हो गया? 29 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 58। मैं तो 58 इंसर्ट कर रहा हूँ, तो 58 अगर इंसर्ट करूँगा तो कौन सा ग्रेड आया? 58 आपका 50 से 59। बस समझाने के लिए आप लोग से मार्क्स मैं ले रहा हूँ, आप लोग कुछ भी मार्क्स बोल सकते हैं। ठीक है, 58 किस में आएगा? सी वाला में आएगा, सी ग्रेड में। तो हम लोग इसको इंसर्ट करके देखते हैं क्या होता है। इंसर्ट किया, ग्रेड इज सी, मतलब मेरा प्रोग्राम लगभग अभी तक तो सही चल रहा है जितना बार रन किया हूं। कोई और बताइए मार्क्स आप लोग? चलिए मैं ही ले लेता हूं, 69 ले रहा हूं। सर 28। ओके, इसके नेक्स्ट टाइम 28 सर 30 से नीचे है सर। ओके, 69 मैं अगर ले रहा हूं तो क्या हुआ? 69 किस में लाई करेगा? ये ग्रेड बी में लाई करेगा। तो देखता हूँ 69 ग्रेड बी में हो रहा है कि नहीं। 69 ग्रेड बी, मतलब मेरा प्रोग्राम सही है। ठीक है, जैसे आप लोग एक 28 वाला मैं ले रहा हूँ, 28 28, ये क्या होगा? अगर हम 28 ले रहे हैं तो हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ इसमें क्या दिखाना चाहिए? ये प्रोग्राम 28 किससे है? लेस देन 40 है, सेवेंथ कंडीशन में। ये तो क्या दिखाना चाहिए? एफ ग्रेड, ग्रेड इज एफ, मतलब मेरा प्रोग्राम सही है, एफ के लिए भी सही है। तो अभी तक हम लोग जितना प्रोग्राम दिखाए आपको, मैं एक एक करके आउटपुट दिखा रहा हूँ जितना हम लोग ने रन किया। ठीक है, देखिए हम लोग जो है ये आपका पांच टाइम्स मैं रन किया, उसमें से अलग अलग ये इनपुट हम लोग ने लिया था। पहला में क्या लिया था? 28 एफ ग्रेड दिया। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो आपको सही से दिखेगा जो ग्रेडिंग है।
आपको दिख रहा है ना? यस सर। तो देखिए, तो पहला वाला मैं 69 लिया मैं, उसमें क्या 73, ये कौन सा लाइक कर रहा है? 73 ए ग्रेड में, ठीक है मेरा। उसके बाद मैं मार्क्स लिया 92, ये मेरा ओ ग्रेड में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 58 सी ग्रेड, उसके बाद 69 बी ग्रेड, उसके बाद 28 एफ ग्रेड। तो आपको इस तरह से जो है आपको प्रोग्राम का आउटपुट लेना होगा, या इस तरह से आपको रन करना होगा और इस तरह से प्रोग्राम लिखना होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग इफ एल्स को ऐसे बीच में छोड़ के निकलिएगा तो आपका काम नहीं होगा, समझ में आया? क्लियर? यस सर, क्लियर। ये जो एग्जांपल हम लोग ने देखा, ये एग्जांपल था आपका क्या चीज का? इफ एल्स लेडर, जिसमें कि हम लोग मल्टीपल इफ एल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट में प्रोग्राम एक रन कर रहा हूं आप लोग के लिए, नेक्स्ट में एक प्रोग्राम रन कर रहा हूं जो कि स्विच केस वाला हम लोग उसको देखेंगे, कैसे स्विच केस का हम लोग इसको करते हैं। न्यू सोर्स फाइल, स्विच केस में आपको मैं दे रहा हूं चॉइस आपको इंसर्ट करना है। तो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, राइट ए प्रोग्राम टू चूज, आपको एक चॉइस वाला प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आपको अगर चूज आपने के चूज किया ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए मतलब आपने एक इंसर्ट किया तो आपका प्रोग्राम जो है वो एडिशन करेगा। आप लोगों को पता है एडिशन किया जाता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद अगर आप टू इंसर्ट कर रहे हैं ये सब्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। अगर आप तीन चूज कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन फोर कर रहे हैं ये डिवीजन करेगा, अगर ऑप्शन फाइव दबा रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपका मॉडुलस ऑपरेटर लगाएगा, मॉडुलो डिवीजन करेगा, समझ गए? कि आप में से आपको दो नंबर्स ले लेना है और जैसे ही ऑप्शंस दबाएंगे तो वो क्या करेगा, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन निकाल के हमें दे देगा, क्लियर। यहां पे मैं बंद कर दे रहा हूं इसको, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सीरियसली आप लोग इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्विच केस है, ठीक है। studio.h, उसके बाद int main, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं, तो कोई भी इसमें से कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो नंबर्स चाहिए। तो मैं यहां पे इंटीजर नंबर ले रहा हूं, int x कोमा y, ठीक है, और एक ले रहा हूं जिसमें कि चॉइस इंसर्ट होगा ch, ठीक है, और एक और वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें कि रिजल्ट मेरा स्टोर होगा, रिजल्ट ही डाल दे रहा हूं, ठीक है।
ये मैं चार वेरिएबल लिया, पहला जो इंट के साथ है एक्स वाई, ये क्या होगा, इसमें से नंबर ऐड होगा, ठीक है। कौन है ये, जय शंकर चौधरी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जय शंकर चौधरी। यस सर। आप इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास कब से था? सर सो गए थे, वही बारिश हो रहा था ना। बारिश और सोने में क्या रिलेशन है, उनको तो नहीं कुछ आइडिया लग रहा है इसमें। सर क्लास आज ज्वाइन करने के लेट से हो रहा है सर, बहुत दिक्कत हो गया था। दिक्कत हो गया था तो आप इसको कैसे टैकल कीजिएगा, आपका तो मेन चीज तो खत्म हो गया आज का। जी सर आज का तो नहीं पढ़ पाया था सर, मोबाइल डिस्चार्ज था तो चार्ज में आया था। माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें कि दो नंबर्स हम लोग लेंगे और जैसे ही चॉइस उसका लेंगे हम लोग, वो क्या करेगा ऐड कर दे, जो भी इसमें चॉइस दबाएंगे हम लोग वो ऑपरेशंस कर लेगा। तो हम लोग ने इंट एक्स वाई लिया, किसके लिए, नंबर्स जिसको जिस पे ऑपरेशन करना है, उसके बाद हम लोग ने चॉइस मांग लिया यूजर से और रिजल्ट उसको हम लोग ने रिजल्ट को दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ही नंबर्स आपसे ले ले रहा हूँ प्रिंट एफ, या आप लोग इसको अपने अनुसार से मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि पहले हम लोग चॉइस लेंगे उसके बाद नंबर मांगेंगे। तो मैं पहले नंबर ले ले रहा हूँ, इंटर द टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स मैं यूजर से ले ले रहा हूँ, कौन कौन सा, स्कैनर एक्स एंड वाई, दो नंबर्स मैं एक्स वाई ले रहा हूँ, परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी कोमा एंड परसेंट एक्स कोमा एंड परसेंट वाई, दो नंबर्स मैं ले लिया यूजर से, ठीक है। अब क्या कह रहा हूँ यूजर को कि आप अपना चॉइस बता दीजिए कि आपको करवाना क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चॉइस ले रहा हूँ स्लैश एन में, इंटर योर चॉइस, ठीक है, इंटर योर चॉइस, और इसमें लिख रहा हूं मैं वन फॉर, इसको मैं, ठीक है, इसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, इंटर योर चॉइस, एक प्रिंट एफ ले ले रहा हूं, प्रिंट स्लैश स्लैश एन वन वन फॉर एडिशन, बताना होगा आपको यूजर को कि वन किसके लिए है, टू किसके लिए है, थ्री किसके लिए है, वन फॉर एडिशन, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, सबको मैं इम्पोर्टेंट छूट लिया था, इसी को मैं तीन चार बार कॉपी कर देता हूँ जितना मेरा चॉइस है। इससे क्या होगा कि यूजर को पता चलेगा, और यहाँ पे मैं स्लैश एन के जगह पे स्लैश टी डालूँगा, और टू फॉर किसके लिए, टू किसके लिए यूज करना है हमको, सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करना है, ठीक है। उसके बाद मैं स्पेस दे रहा हूं थ्री फॉर, ठीक है,
के लिए यूज होगा, डिवीजन के लिए। देन फाइव फाइव फॉर किसके लिए, ये मेरा ऑप्शन हो गया। यहाँ फोर इसको सिलेक्ट, ठीक है। तो मेरा पांच ऑप्शंस यहाँ पे लेना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलो डिवीजन के लिए। अगर मेरा उसके बाद क्या होगा, ये मैं इंटर चॉइस कर दिया, उसके बाद डिटेल्स दे दिया, या मैं इस प्रिंटफ को चॉइस प्रिंट करने के बाद यहाँ पे डालता हूँ कंट्रोल एक्स, ठीक है, इसके बाद में डाला तो आप लोगों को समझने में अच्छा। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, जैसे ही चॉइस इंटर करेगा तो क्या उसको स्कैनर से स्कैन करके रख लेना है, सेव कर लेना है हमको, कि क्या ये हमको चॉइस इंसर्ट किया, ठीक है। उस चॉइस को कहाँ सेव कर लेंगे, सेव आपका परसेंटेज डी इसमें कोमा सी ए एंड परसेंट सी ए, इसमें ये चॉइस आपका सेव हो गया, क्लियर। अब मेरा मेन स्विच केस का स्टार्ट होता है, स्विच, ठीक है, ब्रैकेट क्या था, सी एच, सी एच मतलब इसमें चॉइस इंसर्ट हो गया है, स्वाइप एंड चॉइस जिससे मैच होगा वही मेरा काम स्टार्ट होगा। तो अब इसमें क्या हो गया, केस वन, अगर वन होगा उसके बाद सेमी कोलन, अगर वन होगा क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, इसमें क्या कर दिया हम लोग, रिजल्ट इक्वल टू क्या करेंगे, रिजल्ट में सेव कर लेना है एक्स प्लस वाई, रिजल्ट में एक्स प्लस वाई हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ, रिजल्ट को प्रिंट भी करना होगा, एडिशन इक्वल्स टू क्या होगा, परसेंटेज डी कोमा क्या रिजल्ट, यही होगा। ये किसके लिए हो गया, आपका केस वन के लिए। इसके बाद क्या करना होगा, ब्रेक, ब्रेक लिखना होगा, तभी मेरा केस वन से बाहर जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, केस टू, केस टू में क्या करेंगे हम लोग, केस टू इसमें क्या करना हमको, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, ये तीनों चीज तो सेम ही रहेगा, बस मैं प्रिंटर में चेंज कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल वी। यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट में एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया मेरा केस टू। उसी तरह केस थ्री होगा, फिर से कॉपी कर ले रहा हूं, कंट्रोल यहां पे केस थ्री। इस बार क्या होगा मेरा केस थ्री में, मल्टीप्लिकेशन, यहां पे मैं केसन सर, क्या होगा, केस फोर, केस फोर में क्या करना है हमको, डिवाइड करना है, एक्स डिवाइड वाई, और यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, ठीक
ठीक है, रिवीजन भी सेव हो गया। इसके बाद लास्ट केस क्या है मेरा, मॉडुलो डिवीजन फाइल, यहाँ पे मैं मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ पे मैं मॉडुलो डिवीजन हो गया। और लास्ट में मैं लिख रहा हूं डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या लिख रहा हूं कि आपने गलत ऑप्शन चूज किया, प्रिंट टैब यू हैव इंटर रॉन्ग ऑप्शन, कि अगर कोई मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन आपका चूज किया है, ठीक है। सेमी उसके बाद ये स्पीच से बाहर आ गया मैं, उसके बाद मैं प्रिंटर लिख देता हूँ, प्रिंटर स्लैश and end of the program, ठीक है। और इसमें मैं स्लैश, ठीक है, हो गया। और उसके बाद सेमीकोलन रिटर्न हो गया, सेव कर देता हूँ इसको, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, एक 20 मिनट यूट्यूब में जाके कंपाइल प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये एरर दिया, क्या एरर दिया, देखिए पढ़िए, एक्स अनडिक्लेयर, यहाँ पे x क्या किए हम लोग, स्मॉल ले लिए और डिक्लेयर क्या किए हम लोग, कैपिटल, ये एरर दे दिया। तो आपको बताया था कि जो भी चीज आप लीजिएगा, जो सी लैंग्वेज है वो क्या है, केस सेंसिटिव है, समझ गए। केस सेंसिटिव मतलब अगर आप स्मॉल ले रहे हैं तो आपको स्मॉल ही लेना होगा। आप इस तरह से मैसेज पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन नंबर 13 यहाँ दिया है ना, लाइन नंबर 13 में एरर दिया है, क्या दिया है, एक्स अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज द यूज इन द फंक्शन। यहाँ 13 नंबर पे क्या किए थे हम लोग, एक्स स्मॉल यूज कर लिए थे और डिक्लेयर किए थे कैपिटल। तो मैं सेव कर दिया, उसको ठीक कर दिया, उसके बाद में प्रिंट कहाँ पे दिया, ये अनडिफाइंड रेफरेंस प्रिंट, देखिए यहाँ पे मैं क्या किया, प्रिंट लिख दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिंट टैप सेव किया। इस तरह से आप लोग को प्रोग्राम रन करके चेक करना होगा क्या है। हाँ बोलिए सर, आप 15 नंबर में स्लैश टी दिए हुए हैं, वहाँ पे एन होगा सर, 15 नंबर नहीं, वो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं तो सर कोई दिक्कत नहीं ना होगा, जो स्लैश टेन या टी या एन देंगे तो। स्लैश टी का क्या सर प्रिंटेड में स्लैश टी का क्या यूज है, आप ये बताइए पहले सर। हम कहना चाह रहे किसे आप जैसे कि प्रिंटेड, आपको बताइए स्लैश टी का क्या मतलब होता है और स्लैश एन का मतलब क्या होता है, आप ये बताइए। ये तो सर हमको मालूम नहीं, लेकिन
आप टी लिखे हैं तो इसलिए क्या हमें एन लिख वहाँ पे टी लिख दिए। आपने क्लास नहीं किया मेरा, कोई क्लास में जितना आप लोग हैं उसमें से कोई हमको बताइए स्लैश टी का मतलब क्या होता है और स्लैश एन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताइए। हॉरिजॉन्टल टैब होता है स्लैश टी का मतलब, और स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन सर, न्यू लाइन, न्यू लाइन, समझ गए। कौन पहले मेरे से क्वेश्चन ये बोल रहे थे स्लैश टी और स्लैश एन का, आपको समझ में आया? स्लैश टी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब हम लोग को हॉरिजेंटल स्पेस का जरूरत होता है, और अगर हमको कोई चीज को न्यू लाइन में प्रिंट करना होता है तो हम लोग स्लैश एन यूज करते हैं, ठीक है। आप मेरा प्रीवियस क्लास का स्लाइड देख लीजिएगा जहाँ पे स्लैश ऑपरेटर हम लोग ने बताया है, वहाँ पे सब चीज डिस्कस्ड है कि स्लैश एन क्यों यूज करते हैं, स्लैश टी क्यों यूज करते हैं। क्लियर जी सर? तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए। स्लैश टी का मतलब हुआ कि आपका हॉरिजेंटल टैब, आप ये करके देखिएगा, आप जो है प्रोग्राम माइक ऑफ कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बार प्रिंटर में स्लैश एन यूज कीजिए, एक बार प्रिंटर में स्लैश टी यूज कीजिए, देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्या डिफरेंस हो रहा है। क्लियर हो गया? तो मैं इसे कंपाइल किया, इस बार क्या हुआ, एरर जीरो और वार्निंग जीरो आया, मेरा लॉजिकल आपका सिंटैक्स इसका सही है। F9 फिर से मैं कंपाइल कर दे रहा हूँ इसको, तो ये फिर से कंपाइल होके आपका क्या हुआ, एरर जीरो और वार्निंग जीरो, तो मैं रन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये दिया आपको इंटर टू नंबर्स, ठीक है, इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स मैं दे रहा हूं, एक दे रहा हूं 100 और दूसरा दे रहा हूं मैं 20, स्पेस देके 20, ठीक है, 100 और 20 मैं इंटर किया। अब ये क्या दे रहा है, लिख दिया 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division, 5 for modulo division, तो मैं इसमें से उसके बाद लिख रहा है इंटर योर चॉइस, तो आप बताइए कौन सा चॉइस मैं इंटर करूं, कोई बताइए सर? 5 modulo division 3। चलिए मैं इस बार 5 करके दिखाता हूँ, मैं इंटर 5 किया, तो देखते हैं मॉडुलो डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, 100 मॉडुलो डिवीजन 20 तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा सर, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आएगा, देखते हैं आ रहा है कि नहीं, आ गया, मॉडुलो डिवीजन इक्वल्स टू 0 एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है सर। मेरा ये प्रोग्राम जो मैंने इनपुट इंसर्ट किया उसके अनुसार से ठीक है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रन कर रहा हूँ F10, फिर से मैं नंबर दे रहा हूँ 20 and 4, ठीक है, दो नंबर मैं इंसर्ट कर दिया। इस बार मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, तो डिवीजन के लिए क्या करना होगा, मैं चॉइस 4 करना होगा, तो मैंने कर दिया, तो क्या हो गया 20 divided by 4 करेंगे तो क्या होगा डिवीजन 5, एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये भी मेरा हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर ना? यस सर, यस सर, ठीक है। तो फिर से मैं रन कर रहा हूं, फिर से नंबर दे रहा हूं 67 एंड
43, ठीक है। दो नंबर दे रहा हूँ, इस बार मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो क्या दबाऊंगा? इंटर योर चॉइस में वन एडिशन चाहिए हमको, तो ये ऐड करके हमें दे दिया एडिशन इक्वल्स टू 110। एडिशन सही है, 67 प्लस 43 कितना होगा? 110, ठीक है। फिर से मैं रन कर रहा हूँ, इस बार मल्टीप्लाई करना हमें 56 एंड 64, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या चॉइस देना होगा हमको? 3, तो मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 3584। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, चॉइस को स्विच केस में लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको ऑप्शन दे दिया स्विच केस में कि कैसे आप, मान लीजिए आपको दिया गया एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया में निकालना है कि ट्रेंगल का एरिया निकालना है, फिर सर्कल का निकालना है, स्क्वायर का निकालना है, पैरेललोग्राम का निकालना है, ये सारा चीज़ आपको निकालना है। कि आपको चॉइस मांगेगा और वहाँ पे आपको सर्कल का निकाल के देना है, पैरेललोग्राम का देना है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यूजर से चॉइस लेंगे और उसके अनुसार से, जैसे मान लीजिए चॉइस वन में हम लोग लिखें एरिया ऑफ सर्कल, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, पहले चॉइस ही इंसर्ट करा लिए और वहाँ पे जाके हम लोग केस वन में क्या करेंगे, उसे यूजर से रेडियस लेंगे कि इंसर्ट योर रेडियस। उसके बाद हम एरिया इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर इंटू आर। तो इस तरह से हम लोग स्विच केस का प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। क्लियर? कोई डाउट है बताइए? नो सर, डाउट नहीं है। तो ये सारा चीज प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। क्लियर? तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कल के क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद डिफॉल्ट कंडीशन, जैसे मान लीजिए यही प्रोग्राम जैसे है, एक और केस में आपको दिखाता हूँ। F10 डाल रहा हूँ, ठीक है। इंटर नंबर में दे दिया 7 और 6, ठीक है। इस बार ऑप्शन में, ये ऑप्शन चूज जो च्वाइस है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी 9, 8 डाल दे रहा हूँ। 8 तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं, लेकिन हम गलती से 8 डाल दिया। ये क्या होगा, डिफॉल्ट वाला केस में जाएगा और क्या करेगा, डिफॉल्ट में हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, यू हैव इंटर रॉन्ग ऑप्शंस या रॉन्ग ऑप्शंस, ये प्रिंट करेगा। कर दिया, यू हैव इंटर रॉन्ग ऑप्शन एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो डिफॉल्ट केस क्या होगा, जब कोई मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्लियर? डिफॉल्ट का भी यूज समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास जो कल का जो क्लास होगा, इसी को और प्रैक्टिस करेंगे और इसमें और सारा जो लिमिटेशन है, या ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ब्रेक कहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट कहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। ये प्रोग्राम जो है हम लोग असाइनमेंट में डाल देंगे, ठीक है, और आपके पीपीटी के साथ भी इसको इंक्लूड कर दूंगा सर। हाँ बोलिए सर। जो अभी